एक लड़का सा बिस्तर छोड़े पहला ब्लॉग जो हमने स्टार्ट किया था यहाँ हम पानी ले के लिए देखिए दोस्तों कितना सारा मिठाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मनी ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है 29 जुलाई और अभी का समय हो रहा है 7:28। मैं वो काफी लेट से जगह पर बैठी हुई है और देखते रहिए हमारा ब्लॉग। ये पूरा वाटर टीला तुम लोग नीचे जाओ, ठीक है? नीचे में जो कोठली में जो सामान है ना, वो सारा सामान एक एक करके लेकर सो जाओ, यहाँ रखेंगे। जो सब जाओ, ज़्यादा सामान नहीं लेना, एक बार में एक ही सामान लेकर आ जाओ। निकलो, कोटली वॉशिंग मशीन के पास जो है दोस्तों, वॉशिंग मशीन के पास जितना भी सामान है जो बच्चा छोड़ दिया है पढ़ाई, वो सारा सामान को हम यहाँ पे सेट करेंगे। सारा सामान को जो है हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है जो कोठली में था, और सभी कपड़ा वगैरह को जो है सूखने के लिए बिछावन वगैरह को दे दिया है। दोस्तों टाइम हो रहा है पक्का 11, आप देख सकते हैं घड़ी में 11 बज रहा है। और मैं यहाँ पर ये बेडशीट आप देख सकते हैं, यहाँ पहले जो है ये उत्तर दक्षिण था, अभी जो है इसको हमने पूरा पश्चिम जो है बेडशीट को लगाया है, और इसमें भी काफ़ी समय लगा। चलो तुम लोग छुट्टी करो, तो बंद करो पड़े, खाना खे भी है तुरंत अभी अदा बोतल उतरा सिर्फ खे भी है, अभी रुके उतरा जरूरत नहीं छा बोतल खो कर वो नहीं कर बैठा तुरा। दोस्तों 12 बज चुका है, लंच का समय है, और लंच में कर रहा हूँ चूड़ा दाल बूट। ये देखिए आप, ये हो गया लंच। दोस्तों टाइम हो रहा है 3:20, अगर यहाँ देखना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं आप, और अभी भी जो है बच्चा लोग सोया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तीनों को 4 बजे जगने का काम करेंगे। अभी जाते हैं सबसे कुछ कपड़ा वगैरह उसको नीचे ले जाते हैं, सबके बाद सिमरी बख्तियारपुर जाने का काम करेंगे। दोस्तों 4 बज चुका है, लड़का साहब बिस्तर छोड़े उठो सर, सबको धूप में दो बेडशीट, सबको धूप में दो छत पे फैलाओ, धूप में जाकर के जिस तरह सुबह में फैला हुआ था उसी तरह फैलाओ जाके। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ मार्केट, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ सिंधी बख्तियारपुर, अभी लिसन पड़ी स्कूल में, और यहाँ से जाएंगे मार्केट का काम करना है, फिर वापस घर लौटना है। नहीं नहीं शीशा थोड़ा सा आया है उसे। तो
दोस्तों अभी मैं हूँ जावेद हबीब में और यहाँ पर सीवी दाढ़ी बनवा रहे हैं और यहाँ पर जो ब्लेड यूज़ होता है वो होता है जिलेट का। ये देखिए आप जिलेट, एक ब्लेड की कीमत 3 रुपया। दोस्तों अभी मैं हूँ जावेद हबीब में और पहला ब्लॉग जो हमने स्टार्ट किया था वो जावेद हबीब में स्टार्ट किया था। दो चेयर यहाँ देख रहे हैं, लड़की लोगों महिला लोगों का जो है बाल वगैरह से यहाँ बनाया जाता है। उसके बाद ये टब जो है पैर रखने वाला है, यहाँ पर लिखा हुआ ब्यूटी बिगिंस विथ ब्यूटीफुल फिट, शायद पैर वगैरह रखने का जगह है ये। यहाँ बैठ के सजावट वगैरह किया जाता होगा। इस तरह से डब्बा को रखा गया है कि कई सारा डब्बा लगता है देखने में, लेकिन है क्या कि पीछे शीशा लगा हुआ है तो सेम चीज़ जो है पॉजिटिव दिखाई पड़ता है तो काफ़ी लगता है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी सुंदर और ज़बरदस्त कैंची है, और आप इस कैंची को देखिए, एक ही अलग लेवल का कैंची है। यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन है, जो कलर आपको पसंद है अपने बाल में वो कलर करवा सकते हैं। ये पुलिस वहाँ पे है, अब पता की करेंगे। की हाल चाल छे पुलिस बाबू? ठीक है ना, जीवन वीडियो में ही टिकल छे, यहाँ के नामो वीडियो छे। यहाँ हम पानी लग लिए अरे वह जहर, इस सम्मान के चीज छे। बात बुझे चाहे तक यहाँ कोई पानी लग देगा ना। एक प्लेस वाओ, इस जमीन को देखने आए हैं। गेट कटा के प्लॉट है और गेट कटा का ये कैसे है कट्ठा, कैसे है कुलेश जी, कैसे कट्ठा चलता है? 7 लाख एक मून के ले लियो। जमीन वगैरह सब बिगड़ी का है। लाख 10 लाख तक जो है यहाँ रोड नहीं, वहाँ का जमीन 12-15-16-18-20 जो है रोड है जमीन। दोस्तों ये जमीन है जिसमें सुजान लगा हुआ है, 20 का रेट चल रहा है, हम लोग 15 पे जो है डन किए हुए हैं। 15 लाख ये कुलेश बाबू लेंगे, ये हैं जयराम यादव, इन्हीं का जमीन है ये, और एक जोतने जोतदार जमीन जो है ये वाला है। अरे बस उसमें भोजन नाश्ता था, भोजन
खाली है अब रसमलाई है मेरा कौन सी बिल हम पूरा है पूरा चल रही मीट मांस जगह नहीं दाव देख देखती है मिठाई का देखिए दोस्तों कितना सारा मिठाई आ चुका है दोस्तों टाइम हो रहा है 7:42 मैं सिंधी बख्तियारपुर से घर पहुंच चुका हूं और काफ़ी जगह हमने घूमा फिरा मार्केट गया नाश्ता किया और काफ़ी समय के बाद मैं हरेवा स्वीट्स में भी गया और वहीं पे जो है नाश्ता हम लोग किए और सेनिटोर के आसपास जो है कई सारा ज़मीन था तो पुलिस जी आए हुए थे ज़मीन देखने के लिए तो कई सारा ज़मीन देखे तो ज़मीन का जो रेट था किसी का 20 लाख जिसमें रोड है मेन रोड जिसे रोड होता है और जो रोड में नहीं है वो लगभग 11 से 12 लाख और जो खेत है उसका रेट जो है 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख इस हिसाब से था तो कई सारा ज़मीन देखने के बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद हम जो है वापस से उत्तरपुर से घर आ गए तो दोस्तों इस लोग कहीं करते हैं मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट लोग में तब तक के लिए गुड नाइट का बैंड टेक केयर।